नमस्कार, मेरा नाम है रमेश सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सोनी किचन में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द ट्रेडिशनल फूड ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की एक परंपरागत स्वीट रेसिपी है मार्छा के लड्डू। तो हिंदी में शायद इसको चूल्हे ही बोलते हैं, बट उत्तराखंड में इसका मार्छा या मार्छू बोलते हैं। तो दोस्तों, आज देखते हैं इस रेसिपी को किस तरह से बनाते हैं, इस स्वीट लड्डू को किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 250 ग्राम गुड़ ली है एक प्लेट में। और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चोलई यानी मार्छा ली है। अब यहाँ पे मैंने गैस का टर्न ऑन कर लिया है और गैस में ये पतीली चढ़ा ली है। तो सबसे पहले हम गुड़ की चाशनी बना लेंगे। तो पतीली के अंदर हम ऐड कर लेंगे गुड़ को और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसकी जाड़ी जाड़ी कंसिस्टेंसी वाली चाशनी हम बना लेंगे। अगर आपके पास गुड़ नहीं तो आप चीनी की चाशनी भी बना सकते हो, बट गुड़ मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता है, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। जब तक हमारी चाशनी बनकर तैयार होती है, हम दूसरे चूल्हे में चढ़ा लेते हैं पैन। पैन को अच्छे से हीट करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा चूल्हे डाल देंगे और चूल्हे को हिलाते रहना है, फ्राई पैन को भी हिलाते रहना है अच्छे से, ताकि अच्छे से जो ये चूल्हे के बतासे बने अच्छे से ये खिल जाए। तो अब यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से ये खिल रहे हैं और गैस को फास्ट फ्लेम पे ही रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये चूल्हे यानी मार्छे के जो बतासे हैं इनकी लुकिंग लाजवाब है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, इनको एक प्लेट ले लेंगे और एक प्लेट में डाल देंगे। तो इसी तरह से सारे के सारे हम चूल्हे को फुला लेंगे, खिला लेंगे अच्छे से। तो इसको आधा घंटा ठंडा करने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम ले लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो गुड़ की चाशनी है और ये चूल्हे के जो बतासे हैं वो दोनों ठंडा हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे एक परात ले लेते हैं और थोड़ा सा बतासे जो चूल्हे के हमने बनाए हैं उनको परात में ऐड कर लेते हैं और धीरे धीरे हम इसमें गुड़ की चाशनी ऐड करेंगे। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इसमें चाशनी को ऐड करिए। अब अपने हाथों से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो चाशनी हम इसमें और डालते रहेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हो इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब चेक कर लेते हैं इसके लड्डू बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो बाद में अच्छे से हाथ को साफ कर लेना है और हाथ को थोड़ा गीला रखना है और इस तरह लड्डू के शेप में इसको हम बदल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, अब जो बची हुई खिली हुई चूल्हे के जो फूल हैं, फूली बोलेंगे हम, तो उनमें इनको अच्छे से लपेटने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये चूल्हे यानी उत्तराखंडी जो मार्च है उसके लड्डू तैयार हैं। तो इसी तरह से सारे के सारे लड्डू हम तैयार कर लेंगे। भाई लड्डू की लुकिंग तो बहुत ही टेम्प्टिंग, बहुत ही लाजवाब दिख रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इनको खिले हुए बतासों के साथ में कोट कर लेंगे और इसको सेट होने के लिए रखेंगे कम से कम आधा से एक घंटा के लिए किसी एक कोने में। भाई फ्रिज व्रिज में नहीं रखना है, बस किसी किचन के कोने में इनको रख दीजिए इस तरह से बना के। अब यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे ये लड्डू तैयार हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ ऐसी ही एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।